को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण। अवभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बैठो, बड़भागी गीता के पैरोकारो मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, बहुत कुर्बानी करके आप तशरीफ लाते हैं, एकाग्र हो जाइए और मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी का कुछ भाग तो अपने अंतःकरण में रख के जाइए। ये पक्का इरादा करके निकला करें कहने भगवान की वाणी का कुछ हिस्सा जरूर लेके आना हो और महाराज जी के इन शब्दों को हमने जरूर चार चांद लगाने हैं, जरा भी जो ये धर्म तो खौफो खतर से बचा जाए। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वय अल्पम थोड़ा सा भी, मूल शब्दों को देखिए आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे कि स्वय अल्पम ए लिटल इज सफिशियंट, ए लिटल इज सफिशियंट, कोई शक नहीं। चूंकि भगवान की वाणी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में बड़ी शक्ति होती है और महाराज जी की डिवाइन पावर में तो बड़ी शक्ति है, शर्त यह है कि थोड़ा सा मन में रख लिया जाए। दूध तभी तो दही बनेगी जब जामन को रख दिया जाए, तब जामन आपका रंग पूरा पूरा दिखलाएगा। बैंग इसी प्रकार भगवान की वाणी को हम थोड़ी सी भी अपनी बना ले, बुद्धि और मन में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। और हमने करना ही क्या है, कोई तन के किसी अंग को थोड़ा बदलना है। यहां पर भगवान की वाणी या सत्संग से तो हम बुद्धि और मन को बदलते हैं। बुद्धि का मतलब इरादा, मन का मतलब संकल्प विकल्प अर्थात विचार। जब इन दोनों को बदल दिया जाता है मेरे नेक भाइयों बुजुर्गों मेरी माताओं बेटियों, तो बिल्कुल इंसान में क्या हो जाता है, ओवर हॉलिंग, इंसान में अमूल चूल परिवर्तन। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, अमूल चूल परिवर्तन। बिल्कुल बच्चे यार हमारा शब्द चलता है यहां कायाकल्प, इंसान की कायाकल्प हो जाती है। भाई इतना ध्यान करने के सत्संग में करना क्या है, इरादे और विचारों में अंतर लाना है। पहले जो इरादे और विचार है वो हमारे मिथ्या है, पहले जो इरादे और विचार है वो संसार संबंधी है, पहले जो इरादे और विचार है वो कंचन कामनी कीर्ति के साथ संबंधित है। अब जो इरादा विचार करना है वो भगवान जी के साथ संबंधित होता, जहान के साथ नहीं। क्यों जहान के साथ संबंधित क्यों ना हो, जहान तो चलायमान है, चाहे आप जहान में कितने गुण बताते जाए मैं एग्री करूंगा, लेकिन एक अवगुण सारे गुणों पर पानी फेर देता है। क्या, कोई भी चीज यहां की स्थिर नहीं और कोई भी चीज टिकने वाली नहीं, नाइदर स्टेशनरी नाइदर स्टेशनरी नॉट परमानेंट। जब हम ये देखते जितने मर्जी गुण गाई जाओ फायदे कुछ नहीं, जब किसी चीज ने टिकना ही नहीं। आपके बेटे की शादी हुई है, हाँ बहू 10,000 कमाती है, वो आजकल जो नई मशीनें बन गई है वो करती है, आपका बड़ा भारी काम करती है, यानी आजकल की लेटेस्ट मुनीमी भैया लेके अपना खाता खुता अकाउंट अकाउंट सारा तैयार कर रही है, ये तू 10,000 कमाती है, सुंदर भी बहुत है, कभी कभी नाच भी लेती है, ये सारे गुण है, जबान में बड़ा मिठास है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बड़े अमीर घराने की है, कोई चीज नहीं जो लेटेस्ट वो लाई ना हो। लेकिन अवगुण ने कहा कि सारे गुणों पर पानी फेर दिया, कहती है हाँ 6 महीने के बाद तो मैं चली जाऊंगी, कहां से सड़ाएगी, वापस चली जाऊंगी, क्यों मुझे तो किसी और के साथ प्यार है, देर पिट्टे मुंह, इतना लाखों रुपया लग गया तेरे टिकने नहीं ना। बिल्कुल यही हाल इन जहान की चीजों का है जिन पर आप दिन रात मरते रहते, बिशक यू काउंट सो मेनी क्वालिटीज लेकिन क्या ये टिकेंगी, नहीं। और कोई पता नहीं किस वक्त किसका किसके साथ
कोई पता नहीं किसका किसके साथ वियोग हो जाए। Nobody knows except Almighty। कोई पता नहीं किसका किसके साथ वियोग हो जाए, तो फिर क्या ये विश्वास के काबिल है? कदापि नहीं। बस जिसको ये समझ आ गई वो अपना पूरा मन अपने इष्ट देव में लगा देगा। याद रखना मेरी देवियों, वो किसी भी प्राणी पदार्थ पर अपना मन नहीं लगा सकता। यही भगवान चाहते हैं, तन काम में मन रहे ध्यान। संसार की असलियत की पहचान ही तो सत्संग करवाता है, प्राणी पदार्थों की पहचान ही तो गीता जी का धर्म है कि आपको सही रूप में पहचान कराए, ना कि आप अपने अपने ख्यालों से दुनिया में रहे। अपने अपने ख्यालों से दुनिया में नहीं रहना। आज पढ़े लिखे जो धोखा खा रहे हैं मेरी बेटियां मेरे बच्चे, ऑल आर एजुकेटेड नो डाउट, लेकिन फिर भी प्रवंचना में है। क्यों? अपने ख्यालों से, अपनी मान्यता से, हम अपनी धारणा से रहते संसार में। संसार ऐसा नहीं जैसे हमारी धारणा है, जैसे हमारी मान्यता है, तो संसार कैसा है? जैसे भगवान जी कह रहे हैं, हमेशा दुनिया बनाने वाले की नजरों से दुनिया में रहना था। आए 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 आए, और सुनो मेरी देवियों, आना सफल कर लो। सुनो मेरे सजनों, कोई रब दे चरना दा प्यार और गीता का अनुयायी आपको पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया में रहना था दुनिया बनाने वाले के नजरिया से। ओए ओए, अपने नजरिया से नहीं। ओ मेरी भोली भाली बेटी, आप अपने दृष्टिकोण से संसार में मत रहो, यही बात तो बताने आए हैं आपको। अपने एंगल ऑफ व्यू से संसार में रहना, नाना प्रकार के दुखों को अनजाने रूप में दावत देना है। हे हां, अनजाने रूप में कह रहा हूं, नाना प्रकार के दुख इसलिए कह रहा हूं, शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक, इनको आमंत्रण देना है। तो फिर जो जिंदगी के दिन काटे हैं कैसे कटे? भगवान के नजरिया से रहो बस। और भगवान का नजरिया संसार के विषय में कैसा है? अनित्यम आसुख। यह है भगवान का नजरिया जो मैं आपको पक्का कराने आया हूं, बताने समझाने आया हूं कि संसार जैसा है भगवान के नजरिए अपने नजरिए से कमली, ये बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ा सुख है, इसे मैं बड़ा कमाऊंगी, मेरे श्रीमान भी कमाएंगे, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। सारी बातें गलत है, कुछ दिनों के बाद फीके पड़ जाता है संसार के अंदर। भगवान का नियम यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। पढ़े लिखो कभी ना भूलना, ढाई ढाई घंटे एक ही चौकड़ी में बैठकर, वन सिटिंग में बैठकर विचार करो ये लॉ कैसे काम कर रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो उसकी क्यों उपयोगिता कम होने लग जाए। आए 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 आए, क्यों इस लॉ को दरगुजर करते हो? कोई इस लॉ को ओवरलुक करते मेरी बेटी? नहीं नहीं नहीं, यही लॉ पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक कह रहा है। क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। यही अनिवार्य लॉ तो हम आपको बताने आते हैं, यही जो इनएविटेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर है वही आपको समझाने आते हैं हम। कोई नई बात बतानी है? नहीं। जिस आधार पर संसार भगवान जी चला रहे हैं, उन नियमों को हम प्रकट करने आते हैं कि महाराज जी इन नियमों के आधार पर चला रहे हैं, तुम करोड़ों व्यक्ति नियम को ना मानो, नियम तो नियम ही रहेंगे, नहीं मानोगे वॉलेट करोगे, दुख पाओगे, जलील होगे। बेटे दुनिया भर के लाखों नहीं करोड़ों उल्लू उल्लू नहीं सूर्य के साथ आंखें मिलाते, तो सूर्य की मिला से कोई सूर्य छिप जाएगा, सूर्य दुनिया में नहीं रहेगा। करोड़ों व्यक्ति भगवान के नियम को नहीं मानते, तो नियम तो नियम ही रहेंगे। ना मानने वाला ही जलील होता है, खराब होता है, बर्बाद होता है। ना मानने वाले मूर्ख के लिए रब ने गीता में कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन। मान लो नहीं मानोगे, क्या नियम का बिगड़ेगा, भगवान का बिगड़ेगा? नहीं, हमारे बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे हम भी दुख पाएंगे। नियम तो जू के तू है, नियम तो हमेशा जू के तू रहोगे, देयर वुड नो डिफरेंस। हाय हाय, इस बात को भली प्रकार पकड़ लो, अच्छी तरह ले लो। कितने अच्छे तरीके से भगवान जी ने समझाया बताया है। आपकी बार घर से ये सोच के आया करो कि हम तो भगवान से, भगवान का ज्ञान अर्थात जिन गुणों के आधार पर भगवान अपनी सृष्टि चला रहे हैं उनकी जानकारी करने के लिए जा रहे हैं।
फिर क्या होगा, जो मन प्राणी पदार्थों के साथ संलग्न था वो भगवान के साथ संलग्न हो जाएगा। यही तो भगवान चाहते हैं, तन काम में मन रहिए। मन तो भगवान में लगाने योग्य था, तन द्वारा जो हमारी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बेवकूफी से बनाई है, ये हमने नलायकी से अपनी जिम्मेवारियां जो रज के ख्वारियां बना ली है, ये फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज इसी कर टू ग्रस्त आश्रम, फर्ज कर्ज और गर्ज इन तीनों को मिला के बोलती हैं हाउस होल्डर, ये हमने अपनी बेवकूफी से बना ली है, तो इनको हमने पूरा कर लेना बस। लेकिन मन अपना पूरा भगवान के साथ, यही गीता आपको समझाना चाहती है। अब इतना दुनिया में हम भी रह रहे हैं हाँ, लेकिन भगवान कैसे चाहते हैं हम कैसे रहे, ये था इसने सोचा करो। दुनिया बनाने वाला कैसे कहता है, इसी तो मैं कहता हूं कि गीता के बिना सत्संग अधूरा अधूरा अधूरा। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मुझे बड़ा भारी पाप लगे, गीता के नियमों को जाने बिना कितने महात्मा शहरों में आ जाए, अंबाला कैंट में आ जाए, आप लाखों में जगह चले जाओ, बिल्कुल अधूरा, हमारे दीने जीने में कोई काम नहीं आएगा। मैं हम तो देखे बैठे हैं पितर, आप तो लाई लागे होते हैं ना, जरा कोई आ गया ओ भेड़ो बकरियों की तरह भाग चले, पर ये नियम वो नियम प्रगट ही नहीं करते, इधर उधर की बातें मारते जाएंगे। नियम तो ये लेना चाहिए, जहान क्या है भगवान क्या है, बस दो ही तो पदार्थ संसार में है और इन दोनों के अंदर कौन से नियम काम कर रहे हैं, सिंपली वी हैव दैट नॉलेज ओनली, और इनको ट्रांसलेट करना है एवरीडे लाइफ के अंदर, तो मन दिन प्रतिदिन भगवान के संग लगता जाएगा और इधर हम अपने फर्ज पूरे करते जाएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा था, अच्छा ध्यान देना, स्वामी रामकृष्ण महाराज जी ने, कोई पतंग उड़ा रहा है लड़का, पतंग बड़ी ऊंची उड़ गई और उसका सारा धागा ही खत्म हो गया, डोरी खत्म हो गई, सुनिए ना, अरे बेटी सुन ले, फिर जाके परौंठे बनाना खा लेना गंगा जमनी दाल के साथ, गंगा जमनी माँ कुल कृष्णा क्या होती गंगा जमनी, पहले ये तो सुन लो ना। अच्छा उसकी डोरी सारी खत्म हो गई, जो चरखड़ी पैरचरी हुई थी डोरी, ये चरखड़ी होती है, वो सारी डोरी तो बड़ी ऊंची उड़ गई, अब उसका पूरा मनोरंजन नहीं हुआ, अब नहीं मनोरंजन था, जेब में हाथ डाला, उसके एक कागज मिला, उस कागज का सेंटर बनाकर उसे थोड़ी सी छेद बनाया और उस धागा तोड़ के ना उसके अंदर वो कागज डाल दिया, अब उसने खींचना शुरू किया, अब वो जो था ना कागज वो आगे चढ़ा और चढ़ा और चढ़ा और चढ़ा और चढ़ा चढ़ता गया, वो डोरी खींचता गया और वो चढ़ता गया और वो नाचता गया कुछ होता गया, वो धागा और चढ़ा और ऊपर चढ़ता गया, वो डोरी खींचता गया करता गया, 10-15 मिनट के बाद वो जो धागा कागज और डोर के साथ लग गया, वो खूब झूम उठा, पूरा मनोरंजन हो गया, इधर वो खुश भी होता रहा कागज चढ़ता रहा। अगर भगवान का लिया कहना मान, ये गीता का प्यारा अनुयायी कह रहा है, तो मन हमारा धीरे धीरे करके भगवान के संग चढ़ता रहेगा, इधर हमारी जिम्मेवारियां पूरी होती रहेंगी, हम अपना जन्म सफल कर लेंगे। ऐसा करके देखो बेटे, हमारी तो गृहस्थी है नहीं, मां बाप की गृहस्थी थी, अपना रोपेट के निभा के चल दीजिए, अब आपकी गृहस्थी है, आपने करना है, तरीका यही है, तन काम में मन रहिए, वरना पछता के जाओगे इस जहान से, कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, उड़ा पतंग लेकिन बीच में कागज लगा दो और खींचते जाओ, ये पूरा करना है, ये करते हैं पूरा करना है, लेकिन मन के जो है पर्ची मालिक के संग, अर्थात मन का मतलब जो तो गोश्त का टुकड़ा है, वो तो हॉल्ट है, उसे तो हम अपनी भाषा में कहते हैं हृदय, हा के पेट में रा दा और या, लेकिन मन तो होता है मनन करने वाला, सोचने वाला, विचार करने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में माइंड कहेंगे, वो तो हार्ट है हमारा, या हार्ट तो एक ऑर्गन है, ऑर्गन हाँ उपकरण है, ये कुछ और है, ये हमारा माइंड है जिसको हम मन बोलते हैं, तो इसको हृदय की धड़कन कहते हैं, ये मन की जो है संकल्प विकल्प है, इनमें भगवान जी भर जाएंगे, अर्थात हाई थिंकिंग भर जाएगी, हाई थिंकिंग में पहली थिंकिंग क्या होती है, कोई बताए नहीं तो मार खाए, सच हाँ, हाई थिंकिंग में कैसे हमारी शुरू हो गई, तो पहली थिंकिंग क्या होगी, कमान डंडा भी साथ लाया करो, रंगीन डंडा ना साथ लाया करो, अपनी बगल में दबा के, या बताएंगे या मार खाएंगे,
पहला विचार क्या आता है जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, पहले दी वेरी फर्स्ट हाई थिंकिंग, विवेक, शाबाश, हाई थिंकिंग में संकल्प, सोचो मादी धियो सोचो। पहली थिंकिंग क्या होती है मेरे यंग मैन, मुद्दे से आ रहे हो यहां पर, जब हमारी हाई थिंकिंग शुरू हुई तो व्हाट इज दी फर्स्ट थिंकिंग, परमात्मा ही सत्य है और सारा संसार असत्य है। जब आप ये पक्का करेंगे आगे आकाशवाणी होगी, परमात्मा ही चेतन है, ये हमारा दूसरा कदम। जब ये पक्का करेंगे फिर आकाशवाणी होगी, परमात्मा ही आनंद के घर है, सत चित आनंद, तभी तो हमारी हाई थिंकिंग होगी। और सत्संग में पहला मिलता क्या हमें, भगवान सत्य है, जिसमें मैं लट्टू हो रहा हूं वो असत्य है। अगर ये नहीं पक्का किए तो आपने सत्संग में लिया क्या, हमें ऐसे स्थानों से मिलता क्या है कि जो मैं सोच रही हूं वो गलत है, संसार सत्य नहीं, संसार बनाने वाला सत्य। हाय मजा आ गया, मजा आ गया, फिर हमारा जो मन बिखरा हुआ था वो भगवान की ओर लगने लग जाएगा। जब भगवान की ओर लगेगा तो इसी कारण से दुनिया चल रही है, भगवान चेतन है। ये दूसरा है हमारी हाई थिंकिंग होगी, बाकी सब के सब तो जड़ है। जड़ का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट को बोलती है, बोलिए अपनी राष्ट्रभाषा के अनुवाद कीजिए डिपेंडेंट का, पराश्रित, पर आश्रय लगाना पड़ेगा हमें, पराश्रित, सारी चीजें तो पराश्रित है, जड़ जी हुई, और भगवान है स्वतंत्र, चीजें हैं डिपेंडेंट, भगवान है जो है डिपेंडेंट, भगवान है इंडिपेंडेंट, अंग्रेजी बोलते हैं इंडिपेंडेंट, भगवान अपने आप में स्वतंत्र है, वो इनको ताकत दे रही है। जैसे हमारा शरीर डिपेंडेंट है, आत्मा जो अंदर की शक्ति का है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, वो इनको शक्ति दे रही है, किन को, बुद्धिमान और तन को। एक एक बात क्लियर तो करने की कोशिश करता हूं, आप ही भूल जाओ तो मैं क्या करूं, पर ये बातें भूलने योग्य नहीं, ये बातें सदा के लिए अपने मन में रख लेने योग्य है। भूलती बात वही गए, कौन सी बात भूलती है बोलिए, हम भूल वही जाते हैं जो फिल इन द ब्लैंक, हम वो बात भूल जाती हैं जो जो मन के अनुसार न हो, हम भूल जाते हैं वो जो फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिन पर मनन न किया जाए, हम भूल जाते हैं वो खाली स्थान को पूरे करो ना, जिसकी हम महत्ता नहीं देते, हम भूल जाते हैं वो हाय ये जवाब जिसमें आप पूरी रुचि ना ले, तो क्या आप यहां पर पूरी रुचि के साथ नहीं आते। याद रखना ये हमारा इंडियन मनोविज्ञान या गीता मनोविज्ञान कह रहा है, इंडियन साइकोलॉजी कहती है, वही बात भूली जाती है जिसमें पूरी रुचि ना ले। आजकल बच्चों को पढ़ा लिखा क्यों भूल जाता है, रुचि नहीं है पढ़ाई में, और रुचि उस बेवकूफ डब्बे के साथ लगा लिया है, बेवकूफ डब्बा इजिकल टू टीवी, सारा तो रुचि वही पड़ी है बेवकूफ डब्बे के साथ। बेवकूफ वो कहलाता है जो खुद भी बर्बाद हो रहा और दूसरों को बर्बाद कर दे, उसको हम कहते हैं बेवकूफ, हमारा देश उसको बेवकूफ कहता है, हमारे मनोविज्ञान खुद भी बर्बाद हो दूसरों को बर्बाद करे, हम तो डूबे, ये बेवकूफ इजिकल टू, बेवकूफ की परिभाषा इजिकल टू, खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम, इजिकल टू बेवकूफ, हम तो डूबेंगे ही आपको, खुद आपको भी डुबा देंगे, इसको मेरा देश कहता है बेवकूफ। पर भगवान तो बेवकूफ नहीं, भगवान के शब्दों में क्या बोलते हैं, मूड, मूडा सा जायते, भगवान का शब्द है मूड, हाय हाय वो मूड है, भगवान कहते ये ज्ञान ना दो जो जिनकी जो अकल में खामकार न दुविधा में डाले उन्हें, उनको हमारे भगवान ने मूड कहा, अर्थात बेवकूफ है वो। सियाने बन जो ना भूलो, देखो आपको शर्म आएगी जब मैंने आपको बताया क्या बात भूली जाती है जिसमें पूरी रुचि ना हो, हाँ पूरा मन, तो आप तो यहां पर क्या पूरा मन लगा के नहीं आते, पूरी रुचि लेके नहीं आते, तो ना भूलो ये बात, अपनी पक्की कर लो, खूब देर कर लो, क्या हमने अपने भगवान को जानना है, वही सत्य है, चित्त है, आनंद है। संसार क्या है, संसार उन पे डिपेंड करता है, पूरा पे संसार की कोई भी चीज ले लो भगवान पे डिपेंड करती है, अपने आप में कुछ भी नहीं। इसी से तो मेरे मन हाकार मचा उठा था,
1952 में बड़ा मन मेरा चिल्ला उठा था कि हाय हाय हाय, ये संसार में क्या बना हुआ है, कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं, महाराज जी पर डिपेंड करती है, वो शक्ति दे तो ये चलती है, ना शक्ति दे तो बस छुट्टी। आपने एक बड़ा बड़ा कारखाना लगाया, बड़ी बड़ी मशीनरी इंस्टॉल की है वर्कशॉप में, लेकिन ये सारी लाखों की मशीनरी जो आपने मंगवाई है अमेरिका से बेकार है। अगर आपकी गवर्नमेंट और आपका अंबाला आपको बिजली के पावर का कनेक्शन ना दे तो, अगर पावर का कनेक्शन मिलेगा और वो टाइम मिलता रहे तब तो बात बनेगी, वरना नहीं। इसलिए आपके मंदिर तक जो आजादा तौर पर काम और सुचारू रूप से काम करना चाहते हैं उन्होंने अपनी बिजली लगा ली, अर्थात अपने छोटे बड़े जनरेटर लगा लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, गीता जी सुनकर हम अपना जनरेटर लगा रहे हैं। हम अब संसार पे डिपेंड नहीं करते, क्यों कोई पता नहीं कब संसार वाले धोखा दे जाए। इसलिए क्या 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 रहे, जिसका दिल रूह से, जिसका अपना जनरेटर लगा हुआ है, हर समय उसके घर में बिजली रहेगी, रोशनी रहेगी और सारे काम उसके घर के बिजली संबंधी सुचारू रूप से संपन्न होंगे। जो अपने आप पे डिपेंड करता, अपने परमात्मा पे डिपेंड करता, गीता आपको अपने पर डिपेंड करना सिखाती है, गीता आपको बताती है कि इन पे डिपेंड ना करो, इनका कोई भरोसा नहीं। खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा, ना भूलो ना भूलो, तुझे दुख की दुनिया आई तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा है तो मेरे पर डिपेंड कर। हमारे प्रभु कह रहे हैं संसार प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार कर, वो मैं कितनी बार समझाऊं, व्यवहार कर पर इनका इतबार ना कर। ये चीजें इतबार के काबिल नहीं है, इतबार के काबिल है तो अपने इष्ट देव। कितनी बार अंग्रेजी में कच्चे को, अगर कोई है आपका डिपेंडेबल और रिलायबल, बड़े प्यारे शब्द अंग्रेजी के, डिपेंडेबल क्या भरोसा करने योग, रिलायबल विश्वास करने योग, तो केवल भगवान जी है। विश्वसनीय अवलंबनीय है, बड़े प्यारे शब्द, विश्वसनीय प्लस अवलंबन सरा अवलंबली अवलंबनीय अवलंबन अवलंबनीय अगर है तो केवल भगवान जी है। इन चीजों इनके लिए भगवान ने क्या कहा, एक दूसरे को करो, जो मुझे मालिक ने दिया मैं आपको दूं, और जो आपको मालिक ने दिया अगर मुझे जरूरत है तो वो मुझे भी दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी दिन काट लूं। मुझे मालिक ने ज्ञान ज्यादा दिया मैं ज्ञान दूं, आपके पास रोटी है मुझे रोटी दे दो, मुझे कपड़ा दे दो, मुझे जल दे दो, आपके पास ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, मेरे पास मेरे मालिक ने अपना ज्ञान दिया है, तो अगर मैं ज्ञान ना दूं हाँ तो भी आपका काम नहीं चलेगा, और अगर आप ज्ञान लेके मुझे चार रोटियां नहीं दोगी तो जिस शरीर से आप सेवा ले देंगे वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को करो, हाय हाय वो एक हाय, जिसको मालिक ने जो दिया है वो दिया है दूसरे को देने के लिए, और दिया इसलिए कि ज्यादा दिया होगा मेरी जरूरत से, मुझे तभी तो मैं बांट सकूंगा ना। अगर मुझे दी दो रोटियां, चार रोटियों की भूख है तो मैं आपको दूंगा क्या? अगर मुझे ज्यादा ज्ञान दिया है तब आपके पास ज्ञान आएगा। अगर मेरे में ज्ञान क्या करेगा, छलकेगा, ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो को अपनी भाषा में क्या बोलते बेटे, छलकना, तभी तो वो छलक के आपके पास आएगा। तो भगवान ने हर एक चीज, हर एक को कोई ऐसी चीज दी है जो छलकती है, तो जो चीज छलकेगी वो दूसरे की सेवा करेगी। आयो क्या नियम गजब का है। और भगवान कहते गंदे चोर कहीं के लंपट, जो अपनी खातर पकाए वो अपने ही पापों का भोजन वो खाए। और आगे भगवान थप्पड़ मारते हैं, लेके नियामत देता नहीं, तेने मेरे से इतनी चीजें ले ली और दूसरे की सेवा नहीं करता। गीता जी का कर्म योग में ये कमाल का फरमान है, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। बिल यकी भगवान ने उसको संबोधित किया चोर के साथ, कि वो चोर है जो दूसरे कमाई पर नजर रखता है, खुद ही देना चाहता। आए गए आए ना ना मेरे बच्चे, ना 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 ना, आहा आहा आहा। इकोनॉमिक्स उसे कहती है जो संसार समाज से लेना चाहता है और देता नहीं है। इज लाइबिलिटी ऑन नेशन, लाइबिलिटी ऑन नेशन, वो राष्ट्र के ऊपर बोझ है, उसे मजबूर कर देना चाहिए कि जब आप समाज से कुछ लेती हैं तो नॉन प्रोडक्टिव मत बनिए बल्कि बी प्रोडक्टिव, जब आप खाती हैं तो कुछ पैदा भी करो। ओए होए ओए, अकरामे से ये चैप्टर मेरे कहने पर पढ़ना, क्या लाइबिलिटी ऑन नेशन,
जो समाज से लेते थे वहां पर इवज में देते कुछ नहीं, वो समाज पर बोझ है। भगवान ने उन्हें बोझ तो नहीं कहा, भगवान ने उन्हें चोर कहा। काफी व्यक्ति समाज पे बोझ है, अपने राष्ट्र पर बोझ है। दे टेक एवरीथिंग बट दे डोंट गिव एनीथिंग। टेकिंग एवरीथिंग एंड गिविंग नथिंग, ऐसे व्यक्तियों को भगवान उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहते तेरी यहां जरूरत नहीं, तो चल मेरी वर्कशॉप में तुझे नया रूप दूं। ऐसे व्यक्ति जो लेना चाहते हैं गऊ गप, पंजाबी बोलती है गऊ गऊ गप, और देना नहीं चाहते दरिंदों परिंदों, ऐसे व्यक्ति दूसरी योनि में दूसरे जन्म में दरिंदों में परिंदों में चिंदों में जाएंगे, अर्थात एनिमल में बीस्ट में बर्ड्स में जाएंगे। एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स उनके जन्म उनमें होते हैं। आओ अपने प्रभु की वाणी को पक्का कर लो कि मैंने पूरा डिपेंड करना अपने भगवान पर। संसार में तो एक दूसरे के हम सेवा करते जाएंगे, आप पूर्ण अपने अपने ऊपर जिंदा नहीं रह सकती, आपको एक दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी, सेवा लेनी पड़ेगी। और मन पूरा भगवान के साथ, संकल्प विकल्प सफुरने गुण अपने मालिक पर। ऐसे व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, भगवान के नजदीक पहुंचता जाता है। याद रखना, निर्मल मन भगवान के योग्य हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन सूक्ष्म हो जाता है। निर्मल और देखिए जरा मन कौन भगवान के, कौन सा मन भगवान के योग्य है, क्लियर करो मेरे से। जो मन निर्मल प्लस सूक्ष्म है क्या हो जाएगा, वो इज इक्वल टू ख्याल उसके, इज इक्वल टू मन महवे। हमें मेरे से हिसाब की तरह समझ लो। ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा मैं समझाने को तैयार हूं बेटी। मैं आजकल कहूं ना, मैं अपने कॉलेज स्कूलों में मैं मुइया मिट्ठू बन रहा हूं, बहुत होशियार था, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंटों में एक था मैं। अब वही मैंने अपनी इंटेलिजेंसी भगवान की गीता में लगा डाली, इधर लगा डाली, जिससे आप लाभ उठा रहे हो। आप एक एक बात मेरे से अपने अर्थमेटिक की तरह समझो कि कौन सा मन भगवान के योग्य हो जाता है, जो निर्मल और सूक्ष्म हो। निर्मल और सूक्ष्म मन क्या कहो जाता है, उसमें संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। फिर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या लिखे फिर मोटे शब्दों में लिखो, क्या विचार समाप्त प्रभु। हाय हाय, साइन बोर्ड बना के अपनी बैठक में लगा लो, मन समाप्त प्रभु प्राप्त। आजमा के देख लो, मैं तो बैठा हूं, कोई आपको धोखा देने नहीं आया, भगवान की वाणी समझाने आया हूं। आप खुद करके देखो मन तलीन होता कि नहीं है, करो। मैं किए बैठा हूं, तुम भी करो। मैं हलवा खाई बैठा हूं, तुम इधर आटा भुनो, चाशनी बनाओ, मिलाओ बीच में, और जरा एक एक चमचा करके मेरी तरह खाओ। तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरह जीव तलीन होता है। मैं कई तो संत आए और गए, और मैं तो हूं, मैं तो खुद खिलाने आया हूं, कहीं जैसा मैंने किया ऐसा करो। बात तो ये होती है, कहना बड़ा आसान होता है, पर उसको करो। कर मेरी बेटी है, हाँ करो, मैं आपके साथ हूं, ऐसा मेरे सामने करो। इससे धीरे 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 करके बिल्कुल मन बदल जाता है। इतनी अवस्था बनानी है, सूक्ष्म मन सूक्ष्म हो जाए, अच्छा पहले निर्मल हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, संसार संबंधी ख्याल खत्म हो जाएंगे, तलीन हो जाएंगे। ल निकी जाई गल दी कहानी बन गई, वे निकी जाई गल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात की कहानी बनी पड़ी है, इतनी सी बात। ये करते वो करते ध्यान लगाते समाधि लगाते, और कमले पहले ये तो करो, पहले हम ये तो करें, पहले अक्षरों को जोड़ना सीखें, का के साथ खा मिलाना सीखें, क ख, फिर आगे आगे निकले, आगे और अक्षर साथ मिलेंगे, फिर शब्द बनेंगे। शब्दों से पंक्तियां बनती हैं, पंक्तियों से परिच्छेद बनती हैं, परिच्छेदों से विचारों को प्रकट करते हैं। पहले हमें पता तो हो ना, पहले अक्षर ज्ञान तो हो जाए, और अक्षर ज्ञान दो प्रकार का होता है आप जानते हैं, व्यंजन और स्वर, यानी वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। पहले ये तो ज्ञान हो जाए, फिर इनको मिलाना सीख जाएंगे, फिर इन्हीं से पता लग जाएगा इनकी मात्राएं क्या होती हैं। सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं, वो मात्रा लगती शब्द बनते जाती हैं, हम अपने आप को प्रकट कर लेती हैं।
बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा गीता जी के बोल, पहले इसी तरह बनाना सीखे। सबसे पहले क्या करना होता है, भगवान को समझना होता है ऑल इन ऑल जैसा है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, जैसे परिवार में आप कहेंगे कौन है सर्वे सर्वा पिताजी, हाय क्या गजब की बात। घर से शुरू करो, भगवान के नजदीक पहुंचने से पहले घर से शुरू करो। घर में सर्वा सर्वा कौन है, पिताजी। क्यों, सबकी मुरादें पूरी करती हैं, सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं। जो सबकी फरमाइशी पूरी करे उसी हम कहेंगे सर्वे सर्वा, उसी हम कहेंगे ऑल इन ऑल, ही इज ऑल इन ऑल। और अपने राष्ट्रभाषा के शब्द कितना प्यारा है, सर्वे सर्वा। पिताजी हमारे सर्वे सर्वा है, क्योंकि सबकी मुरादें कामनाएं और फरमाइशें पूरी करती हैं। इसी को आप घटाइए, एक व्यापक रूप में भगवान जी सर्वे सर्वा है, क्योंकि सबकी कामना पूरी करने का उन्होंने संकल्प ले रखा है। न केवल संकल्प बल्कि पूरा कर रहे हैं, करूं हाजते सबकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। नहीं, और भी कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। ये पकड़े गए भगवान जी चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय की 11वीं, ये यतमाम प्रपद्यन्ते तान तथा ए भजाम्यो। तो भगवान से कहे, भगवान को ऐसी चीज दे जिसकी मांगना बंद हो जाए, फिर तो उनके अपने दर्शन है, उनका अपना ज्ञान है, उनका अपना विज्ञान है, जिससे अंतःकरण तृप्त हो जाता। फिर चाहे हम लंगोटी बंदी हो या नंगे रह रहे हो या खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, अंदर से पूरी तृप्ति। लेकिन भगवान ने ठेका ले रखा कि मैं तुझे नंगा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे कपड़े दूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे भोजन कराऊंगा, मैं तुझे प्यासा नहीं रहने, मैं पानी पिलाऊंगा। हाय, फिर भगवान का काम है, क्योंकि वह हर एक का योग क्षेम पूरा करते हैं। वो पर भगवान रिस्पॉन्सिबल है, हम है अपने आप को तलीन करने के लिए। तरीका ये है, कर जाओ मेरी माता, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, ये रास्ता बहुत आसान, गृहस्थी भी भारी बड़ी मुश्किल, और ये बड़ा आसान। वो इसलिए मुश्किल है, अनेकों पर डिपेंड करना पड़ता है, अनेकों पर। अगर शरीर रोगी हो गया डिपेंड करो माँ पर, बाप पर, पति पर, हिजाम नहीं किया जाता, पेट में शौच तो आया, अपने आप नहीं मैं जा सकती, मेरे से चला नहीं जाता, मेरा सिर चकरा रहा है, आए मेरी जान दर्द हो रहा है, अनेकों के साथ। डॉक्टर को बुलाओ, कंपाउंडर को बुलाओ, टीके लगवाओ, अनीमा करो, मर गए मर गए, घर वाले आए हाथ मेरा पकड़े, हाय मुझे ले चले, ओ मैं गिरा पड़ा हूं, ओ मुझे उठा लो, हाय मेरे रब्बा। घर इन संसार क्यों मुश्किल बड़ा पड़ा है, अनेकों पर डिपेंड करना पड़ता। और अपनी ये साधना क्या है, सिर्फ मेरे जैसों से समझ के अपने में तलीन हो जाना पड़ता। ये हमारे बहुत आसान है, मेरे जैसों से थोड़ा सा जामन लेना पड़ता है ज्ञान का, बस देन मोर नो मोर डिपेंडेंस। और उसमें पग पग पे डिपेंडेंस है, करो शादी, अगर सारी जिंदगी भी आपको फुर्सत मिल गई हमें लानत दे देना, सारी जिंदगी भी फुर्सत मिलनी, हाँ ये करना है कल वो करना है, ये बनाना है वो बनाना है, हाँ श्रीमान जी तरफ से कोई, मेरी अपनी तरफ से आ गए, मेरी माँ अंदर हुई पड़ी अस्पताल में, तो मेरा बाप अस्पताल के बाहर हुआ पड़ा, तो मेरे भाई जी हो गए, तो मेरी भाभी नू ताले लगे पे, तो ओए मेरा रब्बा टंटे कितने हैं, हाय मेरी दीदा सूटेबल वार नहीं मिलता, हाय मैं क्या करूं, किसको शूट करूं, सूटेबल वार ही नहीं मिलता पिया, वो मैट्री मुला दे दे के मैं थक गई, किसी अखबार में मैंने नाम नहीं छोड़ा, हूं मैं करा था क्या करा, कितनी मुथाजी है संसार में, न सूटेबल वर मिलती है किसके लिए, न बहुओं के लिए, ना अपनी दियों के लिए, ना अपने पुत्रों के लिए, मिलती है तो जो मंगलवार को पैदा हुए शनिवार को पैदा हुए, अर्थात ऐसी मिलती है कंडेम माल बेच जो गलियों में आवाजें मारते फिरते हैं। कितनी डिपेंडेंस है डॉक्टर पर, पढ़ाई पर, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, अब कितने कपड़े चाहिए सर्दी को मेंटेन करने के लिए, सर्दी का रिएक्शन ना पड़ जाए, सवेरे शाम रोटी चाहिए, दोपहर को कुछ पानी पूनी या लिक्विड चीज चाहिए, कितना डिपेंडेंस। और भगवान के लिए समझो और तलीन हो जाओ, प्राधीन सपने सुख, और ग्रस्त आश्रम में पग पग पे प्राधीनता, आप देख लो, आप तो गुजारी बैठे हो, पग पग पे, पगे पगे, क्या कहा व्यास जी ने, प्राधीनता पगे पगे, पगे पगे ऑन एवरी स्टेप यू विल हैव, यू आर बाउंड टू डिपेंड On every step you are bound to depend is equal to grihastha ashram. Hai 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 hai.
इसलिए ये मार्ग बड़ा मुश्किल है और जो मैं आपको गाइड करने आया हूं ये मार्ग बड़ा आसान है, इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं। इसमें तो मेरे भगवान ने कहा है आत्मनियव आत्मना तुष्टा रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन, अपने आप में संतुष्टि। अब अपने आप में कैसी संतुष्टि, वो मेरे जैसे, ये जरूरत है कि आपको समझा दे, मेरा आप करो इतनी जरूरत है हमारी कि हम समझा दे, इतनी जरूरत पड़ोसन की आया खड़काया आपने कि 10 बजे आई कुछ लिया क्या हो गया थोड़ा सा जामन भाई, इतनी जरूरत है मैं आई, एक दूसरे कम नहीं आवा तो फायदा क्यों पड़ोसी बनने का, ए एल है मेरे पास तो जो है ये देख कितनी बड़ी, बस मुझे काफी है, बस अब आपके घर में जामन लगाओ दूध नहीं रहेगा और तो बन जाएगा नहीं बन जाएगी शेरे बड़े काम आएगी, इतना ही जरूरत भगवान की कसम खा के कहूंगा हमारे जैसे पड़ोसी की इतनी जरूरत है, थोड़ा सा भगवान के ज्ञान का जामन आपको दे दे बस, आगे आप सिंसियर और डिवोटी बनकर इसकी कमाई कीजिए, दैट इज ऑल, बस नाइदर मोर नॉर लेस, बात बन गई। ऐसे स्थानों को तो इसलिए जरूरत, खासकर गीता जी, इसलिए मैं मानता हूं गीता जी का सत्संग संपूर्ण सत्संग है, परफेक्ट सत्संग है, हमारा हर लिहाज से शारीरिक रूप में कर्म योग पूरा कर देता है, मानसिक रूप में भक्ति योग पूरा कर देती है और बौद्धिक रूप में ज्ञान योग पूरा कर देता है, हमारे सारे फील्ड पूरे हो गए फिजिकली मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, आगे कमाई करते जाओ, आगे कमाई करो मेरे बेटे और अपना जन्म सफल कर लिया, यही अर्जुन प्रश्न करता जा रहा। अब हम 14वें अध्याय तक जा पहुंचे हैं जहां अर्जुन क्या कह रहा है, महाराज आप 3 गुणों का की बात कह रहे हैं पर 3 गुणों से कौन पार होता है, जो खादम मेरा ही परस्तार है, जो मेरी भक्ति में सरसार गए, वो 3 गुणों से ना हो क्यों पार, वो हाँ वसले खुदा का सजावार, और जो जो पूरा रूपे मेरा प्यारा बन चुका है वो तेरे प्रश्न के अनुसार 3 गुणों को लंग जाएगा और मेरी जात में समा जाएगा, क्यों ना मैं मजबूर हो जाऊं उसे दीदार देने के लिए, जो पुनरुपेन मेरी ओर लग गया है, जो पुनरुपेन अपने भगवान पे डिपेंड करता है, पुनरुपेन भगवान जी उसके बन जाते, 3 गुणों से कौन पार होगा, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से, जो पुनरुपेन भगवान का प्यारा बन गया उसमें सतोगुण इतना बढ़ेगा रजोगुण उसी में समा जाएगा और तमोगुण उसी में नष्ट हो जाएगा, एक सतोगुण रह जाता है, सतोगुण उसके मन को निर्मल और सूक्ष्म करके भगवान के योग्य बना देता, जैसे हमारी माँ कच्चे आटे को कच्ची सब्जी को कच्ची चीजों को पका के और थाली में सजा के आपके सामने परोस देती है कि ले मेरी बेटी खा ले, सतोगुण हम सबकी बुद्धि को मन को हाँ भगवान के योग्य बना के उनके सामने हाजिर कर देता, उन्हीं के सामने हाजिर, उसे अपने अपने पे नाज होता है, जो भगवान का प्यार उसे अपने पे नाज है, उसे अपने पूरा यकीन है। एक घटना सुनाऊं और चुप हो जाऊं, एक जगह का इंटरव्यू हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह थी और लड़कों को भर्ती करना था, अब ले लेती, एक लड़का आया, सेहत बड़ी अच्छी थी, चेहरे पर रौनक थी, तो उन्होंने कहा तेरी किसकी सिफारिश है, मेरी, मेरे मेरी भुजाओं देखो और अपना क्षमा करना बेटी अपना पजामा उठाया, मेरी जांघें देखो, मुझे अपनी सेहत की, मुझे अपनी जो है चुस्ती की सिफारिश है, यदि आपने काम दिया मैं भुजाओं के साथ अपनी जांघों के साथ पूरी शक्ति लगा के उसको आपको पूरा कर दूंगा। इंटरव्यू लेने वाला उठा छाती से लगा लिया, ऐसा जवाब मुझे आज तक किसी ने दिया, तुझे अपने पर इतना यकीन, अरे मेरे जैसे को नहीं यकीन, जो तुझे अपनी फड़कती भुजाओं पर यकीन है, बस मेरी ये भी सिफारिश है, मेरी ये सिफारिश है। मेरे एक बच्चा आता है नमस्कार करने, छोटा सा है, अच्छी सेहत है उसकी, हाँ तो जब भी वो नमस्ते करता है तो बच्चे आप नमस्ते यू ना क्या करो, फिर आप जैसे कहे परे खड़े होकर यू करो बाबा नमस्कार। अब वो बच्चा यही हर रोज करता है, कभी देख लो देख लेना, जब भी आ गया बाबा मेरी ओर देख हाँ नमस्कार, तो उसको अपनी भुजाओं पर सिफारिश किसकी है, अपनी फड़कती भुजाओं की। तो हमें किस पर नाज है, अपनी श्रद्धा पर, किस पे नाज है अपनी मेहनत पर, किस पे नाज है हमें अपने दिव्य प्रेम पर, ऐसे व्यक्ति गुणों से पार हो जाती, जो पूर्ण पेन अपने भगवान के प्यारे हैं,
अनन्यता है, शाबाश उस मेरे बच्चे को। अभी ये खबर आई थी आपके, जो मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया कि देखो बाबा अखबार क्या कह रही है, उसको कि तेरी सिफारिश क्या है, फड़कती भुजाओं की मेरी सिफारिश है। वाह वाह, मुझे जो काम दिया जाएगा मैं अपनी भुजाओं के जोर से पूरा कर दिखाऊंगा, ये मेरी सिफारिश है। वो बहुत अच्छी हुई पुत्रा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आजा, सबसे पहले तेरा नाम लिखता हूं मैं। हमें किस पे नाज है अपनी श्रद्धा पर, हमें किस पे नाज है अपनी मेहनत पर, हमें किस पे नाज है किस पे अपने बढ़ते हुए सतों गुण पर। हो गया बेटा पार, यही प्रश्न था अर्जुन का, तीनों गुणों से कोई कैसे उठता है। भगवान जी कहते जो पूर्ण रूपे मेरे बन जाते हैं और मेरे बन के साधन में लग जाते हैं, वो तीनों गुणों से न क्यों पार। वो कल के कीर्तन अब फिर प्रार्थना कर रहे हैं, बोध करवाया, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके लिए आता हूं। और फिर वो थोड़ी देर करके, टाइम तो काफी हो गया, मैं 2-3 मिनट ही करवा सकूंगा, फिर तो आपके मन में बिठा ही दिया है। आइए, दत्त मेरे चाम तेरे तू कीवा रा, दिलवारा कि मैं जानवारा। वो दत्त मेरे तेरी गीता तुम्हें की वारा, ये हार वारा कि मैं प्यार वारा। तेरी गीता बड़े प्रेम पूर्वक, तेरे ऐसा न तू की वारा, हार वारा के मैं प्यार वारा। तेरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वे दस मेरे शाम तेरे तू की वारा, वे दिलवारा के मैं जानवारा। ओए दस में बहुत अच्छे, बहुत। ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा, दिलवारा कि मैं जानवारा। ओए दस मेरे वारा, हार वारा के मैं प्यार वारा। वो तेरे आह तेरी गीता तुम्हें की वारा, हार वारा के मैं प्यार वारा। तेरी गीता दस मेरे शाम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारा। ओए दस दस मेरे शाम तेरे तू की वारा, दिलवारा के मैं जानवारा। दस तेरी
तेरी गीता तुम की वारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तुम की वारा आए गए तेरे ऐसा न तो की वारा ये घर वारा कि मैं प्यार वारा तेरी बहुत अच्छे आए गए दस मेरे शांत रे तू मैं की वारा ए दिलवारा कि मैं जानवारो ओए दस तेरे ऐसा न तू की वारा हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरे दस मेरे शांत रे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा वे दस मेरे शांत रे तू की वारा वे दस मेरे शांत रे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा ओए दस मेरे तो जानवारा तेरे ऐसा न तो की वारा हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरे ओए दस मेरे शांत रे तू की वारा ये दिलवारा के मैं जानवारा ओए दस मेरे शांत रे तू की वारा आ दस मेरे शांत रे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा ओए दस मेरे शांत रे तू की वारा हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे दास जनों के अवगुण का
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला ये मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभो ईश्वर भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।